गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज की टॉपिक जो हम लोग लिखा रहे हैं वो है क्या, कॉल इन एरियर्स। ओके, कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है, क्या होती है कि जब कोई कंपनी कोई कॉल की और किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स। इसमें कंपनी के हिसाब से इन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है, इफ़ ए शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल According to them, the amount not received against amount called is call in arrears. यानी कंपनी से जब भी कोई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होती है, कब, जब कोई कंपनी ने ड्यू किया हुआ किस में, अलॉटमेंट में हो सकता है या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल में, और उस टर्म और कंडीशन के बेसिस पे किसी ने पेमेंट नहीं किया उसे हमने क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको बात करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड है जिसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर्स, ठीक है, जो एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच का है। इसमें इस कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मांग रही है। ओके, अब मान लो एप्लीकेशन 2 रुपीज का है, अलॉटमेंट 3 का है, फर्स्ट कॉल 2 का है और ये 3 रुपीज का है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, 100 शेयर, उसने एप्लीकेशन की अमाउंट पे किया है, अलॉटमेंट पे नहीं किया हो, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया हो या सेकंड कॉल पे नहीं किया, ठीक। दूसरे शेयर होल्डर वाले के पास 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी पे किया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे किया, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं पे किया है। तीसरा शेयर होल्डर है कितना है, सपोज करते हैं 300 शेयर से, ठीक है, जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे किया है और सेकंड फर्स्ट कॉल पे किया, सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया। तो इस टाइप की जब भी कंडीशन आती है, यानी कंपनी ने इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए इसका जो कॉल इन एरियर्स हो रहा है, कंपनी ने कहाँ पे मांगा था, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो इसके लिए क्या होगा, तीनों जगहों पे अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कॉल इन एरियर्स यूज होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 200 से वाले ने एप्लीकेशन है अलॉटमेंट तो पे किया लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं किया, तो अभी क्या हो गया, मानी वो कॉल इन एरियर्स कहा गया। अब तीसरे शेयर होल्डर के लिए, यानी जिसके पास 300 शेयर था, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो पे किया लेकिन सेकंड कॉल पे नहीं किया, यानी कंपनी ने अपने कॉल को मांगा था लेकिन इसे पेमेंट नहीं किया, तो कॉल इन एरियर्स के लिए कहाँ पे यूज होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। इस टाइप से जब भी कंपनी किसी कॉल को मांगती है, किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स। अब आते हैं, देखते हैं कि इंटरेस्ट के लिए क्या कहता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज साइलेंट, यानी इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शैल बी अप्लाई विच प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन टेबल एफ में कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कितना प्रोवाइड किया गया, 10% पर एनम। हाउएवर द डायरेक्टर हैव द राइट्स द वे द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, यानी डायरेक्टर चाहे तो उसको इंटरेस्ट की रेट को चेंज कर सकता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल इन एरियर्स कैसे होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अब इसमें दो टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है क्या, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, और एक होता है बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो विदाउट ओपनिंग और कॉल इन एरियर्स अमाउंट के अंदर की कंडीशन में क्या होती है और ओपनिंग के बेसिस में क्या होता है। जब विदाउट ओपनिंग की होती है तब की कंडीशन में कंपनी क्या करती है, तो आइए देखते हैं कि कंपनी की जो चीज आती है यूज करती है उसमें एंट्रियां क्या करती है। अगर विदाउट ओपनिंग की कंडीशन में है तब सपोज कीजिए, यही एक क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे है, अब हम लोग इसको विदाउट ओपनिंग और विथ ओपनिंग के साथ लेते हैं, पहले अलॉटमेंट का लेते हैं फिर फर्स्ट कॉल का एंड सेकेंड कॉल का। ओके, अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक तो क्वेश्चन हो गया, अगर मानिए कंपनी अलॉटमेंट की कंडीशन में हो रही है, अलॉटमेंट की कंडीशन में हो रही है, तो कंपनी के कंडीशन में तो कंपनी तो अलॉटमेंट तो ड्यू किया होगा, कितने से 10,000 × 3 रुपीज के हिसाब से तो अलॉटमेंट ड्यू किया होगा, तो कितना आना चाहिए था, 30,000। लेकिन जब विदाउट ओपनिंग की बात करते हैं तब की कंडीशन में यहां पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैसे, अब देखिए कि 10,000 शेयर था तो 10,000 × 3 रुपीज के हिसाब से कंपनी को मिलना कितना चाहिए था,
30,000, ठीक है, लेस कॉल इन एरियर्स, लेस कॉल इन एरियर्स, एरियर्स कौन सा, जो इसका है, इस शेयर होल्डर का, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का, जिसने क्या नहीं पेमेंट किया था, अलॉटमेंट कितने से, तो 100 इंटू 3 के हिसाब से कितना पेमेंट नहीं किया, 300, यानी कंपनी ने इसमें 29,000, कंपनी कितना रिसीव कर रही है, 29,700, तो यहाँ की कंडीशन में यहाँ पे कितना आ गया, 29,700, 29,700, तो ये जो कंडीशन आई वो किसने होगा, इसमें हमने कॉल इन एरियस तो यूज नहीं किया, तो जब कॉल इन एरियस यूज नहीं करते हैं तो इसको हम करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियस अकाउंट, यानी विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियस करके भी हम लोग ये एंट्री कर सकते हैं, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसी चीज को हम लोग कॉल इन एरियस के साथ शो करते हैं तब भी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे तब क्या आएगी, तब आएगा आपका यहाँ पे इसी एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट कितने समय चाहिए था, नंबर ऑफ शेयर कितना 10,000 और अलॉटमेंट कितने रुपीज का, 3 का, यानी 10,000 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पे 30,000, ओके। अब क्या हो जाती है कि यहाँ पे कि अब यहाँ पे कॉल इन एरियस कितना हो रहा है 100 से पैसा नहीं आया तो 100 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आई 29,700। इस टाइप के जब भी हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियस अकाउंट। अगर एक होता है विदाउट ओपनिंग, दोनों की कंडीशन में विदाउट ओपनिंग करें या ओपनिंग करके करें, दोनों की कंडीशन में भी सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से जो इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे होता है कि कॉल इन एरियस को शो कहाँ करते हैं, कॉल इन एरियस को शो कहाँ किया जाता है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करते हैं, कॉल इन एरियस अकाउंट इज शो इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी जो बैलेंस शीट हम लोग जब बनाते हैं, जो हम लोग अकाउंटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नोट्स अकाउंट बनाया जाता है उसमें शेयर कैपिटल के हेड में टू द बैलेंस शीट एज द डिडक्शन फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बट नॉट कॉल फुली पेड अप, यानी कि किस जगह पे शो किया जाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कंडीशन में जहां पे आती है वहां पे शो किया जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और किसके में, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल के हेड में दो हेड होते हैं, सब्सक्राइब बट फुली सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और दूसरी कंडीशन होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ऐसी कंडीशन जहां सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की होती है वहां पे हम लोग कॉल इन एरियस की यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे कॉल इन एरियस का जितने भी शेयर पे पैसा नहीं है वहां पे शो करते हैं, ओके। तो ये थे हमारे कॉल इन एरियस में, अब इसके बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे अगले उसमें, लेकिन अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप अपने कमेंट में उसको भेज सकते हैं, थैंक यू, बाय।